योर ऑनर, दुनिया में बड़े बड़े गुनाहगार पैदा हुए हैं, लेकिन ये शख्स जो अपने आप को जुर्म का बादशाह कहता है अपनी मिसाल खुद है। दुनिया का ऐसा कोई जुर्म नहीं है जो इसने नहीं किया। बैंक डकैती, बलात्कार, कत्ल और गारत, ये सब इसके खास शौक हैं। इसका दावा है मिलॉर्ड कि ये कानून को हर शाम शराब में घोलकर पी जाता है और हर सुबह पुलिस की वर्दी पर थूक देता है। पैसे धरने के लिए सजाए मौत भी कम है योर ऑनर, बहुत कम है। मुल्जिम जितेंद्र नाथ और बादशाह पर लगाए हुए तमाम इल्जाम साबित हो चुके हैं और जो कुछ भी इंस्पेक्टर किशन सिंह ने इसके बारे में कहा दुरुस्त कहा। हमें अफसोस है, ताकत हिंद में मौत की सजा से बढ़कर कोई सजा नहीं है, वरना वही हम तुम्हारे लिए तजवीज करते। मुल्जिम जितेंद्र नाथ और बादशाह, ये अदालत जेर दफा 302 ताजीरात हिंद के तहत तुम्हें मौत की सजा का हुक्म देती है। अबे जा, तेरे जैसा दो कौड़ी का जज हमारी जिंदगी और मौत का फैसला क्या करेगा? बादशाह की जीवन रेखा कानून की रस्सी से लंबी है। इंस्पेक्टर किशन सिंह ने इस खूनी को पकड़कर बहुत बड़ा कारनामा किया है। सरकार से मेरी सिफारिश है कि इंस्पेक्टर किशन सिंह को बहादुरी का वो मेडल दे जिसका वो हकदार है। किशन सिंह, सरकार तुझे एक मेडल देगी जिसका रंग सुनहरी होगा और एक मेडल बादशाह की सरकार देगी जिसका रंग लाल होगा। लाल। इसे जेल ले चलो। ड्राइवर, जाकर देखो क्या हुआ है, कहूं चाटने के लिए। बेटा सो जाओ। मम्मी। पापा रोज देर से आते हैं, तुम उन्हें डांटती क्यों नहीं? बेटा, डांटने का अधिकार सिर्फ बड़ों को होता है, छोटों को नहीं। मम्मी, तुम तो माँ हो, माँ तो सबसे बड़ी होती है। बुद्धू, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे पापा की नहीं, समझे? चलो सो जाओ। Thank you.
रामजादा फिर हमारी आंखों में धूल झोंककर भाग गया। क्या कह रहे हो? हाँ उर्मिला, बादशाह भाग गया। अब क्या होगा? वही जुर्मों का सिलसिला, फिर वही जहर की तिजारत। कितनी मुश्किल से गिरफ्तार किया था उसे, कितनी आसानी से भाग गया। उर्मिला, मेरे कैरियर को कलंक लग गया है। कलंक किस बात का? जुर्म और कानून की जंग में ऐसी हर जीत तो हमेशा होती रहती है। कल पकड़ा गया, आज भाग गया, कल फिर पकड़ा जाएगा। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। नहीं उर्मी, मुझे भूख नहीं है। मुझे भूख है, प्लीज। अच्छा चलो। हेलो किशन सिंह हियर। हेलो, बादशाह का एक आदमी नदी के किनारे जख्मी हालत में मिला है, शायद बच जाए। कम एट वंस। ओके, मैं पहुंचता हूँ। क्या हुआ? फिर कहाँ जा रहे हो? बादशाह का एक आदमी पुलिस की गिरफ्त में है, मैं उसे देखकर आता हूँ। ओहो, कुछ खा तो लेते। आदमी कब्जे में आएगा नहीं। अगर आया तो जुबान खुलने से पहले उसका मुंह बंद कर दिया जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे घर में मेरे ही सामने? इसीलिए तो मेरा नाम बादशाह है। बांधो साले को, बांधो इसका भी। छोड़ दे कमीने। बादशाह कमीने, भगवान तुझे सजा देगा। बेवकूफ औरत, वो सोया हुआ है, इसीलिए तो हम जागे हुए हैं। मैं कहती हूँ छोड़ दे मेरे पति को, छोड़ दे मेरे पति को। चौधरी बंद कर दे इसका मुंह। नहीं, याद है मैंने कहा था बादशाह की जीवन रेखा कानून की रस्सी से लंबी है। मेरे हाथ खोल हरामजादे, फिर देख मेरे हाथ लंबे हैं या तेरी जीवन रेखा। बच्चू तेरे हाथ ही तो छोटे करने आया हूँ, लेकिन पहले बादशाह पर हाथ डालने का नतीजा जानना जरूरी है। और ये बताना भी जरूरी है कि आज की नस्ल झूठ फरेब और मक्कारी के माहौल में पैदा होती है और उसी में ही पलती है। और जुर्म उसका पैदाइशी हक है, और हमें सजा देने का हक ना तुझे है ना तेरी अदालत को। अब हमारी अदालत का जलवा देखो। तुम्हारी अदालत? हाँ इंस्पेक्टर, वो बादशाह ही क्या जिसकी अदालत ना हो, दरबार ना हो। चौधरी जी बादशाह, तुम जज हो, वहां बैठो। हुकुम। कौन? इंस्पेक्टर किशन सिंह से बात करना चाहता हूँ। यहाँ नहीं है, दूसरे नंबर पर होगा। दूसरा नंबर कौन सा है? 000। क्या बकवास कर रहे हो? कौन हो तुम? धरती का 000। जज जी सरकार, कार्रवाई शुरू की जाए। हुक्म। हुजूर, ये मुलजिम है, इसका नाम किशन सिंह है, आज के दौर का असली मुजरिम। मसलन? सबसे बड़ा जुर्म ये है कि ये ईमानदार है, सच्चा है, फर्ज और कानून को अपना धर्म समझता है। इडियट। झूठ नहीं बोलता है, रिश्वत नहीं लेता, देश से गद्दारी नहीं करता। ये तो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। तो फिर जज, इसे सजा भी उसी वजह मिलनी चाहिए। मिलेगी, जरूर मिलेगी।
ताजी रात 00 सरकार बादशाह किशन सिंह को सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। इस पर लिख कि तू बादशाह से माफी मांगता है, तुझे छोड़ दिया जाएगा। किशन सिंह को जिंदगी इतनी प्यारी नहीं है हरामजादे। ये भी लिख, अगले जन्म में तू झूठ बोलेगा, रिश्वत लेगा और मुल्क से गद्दारी करेगा। लाने तुझ पर और तेरे ऐसे अगले जन्म पर। थू लिख हराम के पिल्ले। खबरदार, जो मेरी बीवी को हाथ लगाए तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। हाथ मैं तो बहुत कुछ लगाने वाला हूँ। किसी बच्चे को यहां से भागते हुए देखा है क्या? बतलाती क्यों नहीं? देखा है कि नहीं? हाँ, वो उधर। पहले क्यों नहीं बताया? कौन हो तुम बबलू? वो लोग कौन थे जो तुम्हारा पीछा कर रहे थे? वो मुझे चांद से मार देना चाहते थे। हाँ? क्यों? क्योंकि वो मेरे माता पिता को मार चुके हैं। कौन थे वो? बादशाह और साथी। बादशाह? तुम्हारे कोई रिश्तेदार हैं बेटे? नहीं। मेरे ख्याल में हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। किस लिए? बेचारे को और मुसीबत में डालने के लिए? वो तो इसे किसी यतीम खाने में भेज देंगे। अगर पुलिस को ना पता चला तो इसके माँ बाप के हथियारे साफ बच जाएंगे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं बड़ा होकर बादशाह को जान से मार डालूंगा। माँ कसम बदला लूंगा। ठीक है बेटे, अगर ये बात है तो मैं एक फौजी हूँ। उन हथियारों से कैसे बदला लेना है वो तुझे मैं सिखाऊंगा। आओ बेटे। अब तुम आराम करो बेटा। आपके बच्चे हैं? अब तुम जो हो बेटा। हाँ।
बेटे, हमने तो ये सोचा था कि हम तुम्हारे सुखों के साथ साथ तुम्हारे दुख भी बांट सकते। बापू, अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपको आवाज दूंगा। लेकिन बेटे, तुम तो ये भी नहीं जानते कि बादशाह जिंदा है या नहीं। बेटे, हमने तो ये सोचा था कि हम तुम्हारे सुखों के साथ साथ तुम्हारे दुख भी बांट सकते। बापू, अगर ऐसी कभी जरूरत पड़ी तो मैं आपको आवाज दूंगा। लेकिन बेटे, तुम तो ये भी नहीं जानते कि बादशाह जिंदा है या नहीं। वो जिंदा है या नहीं, मेरा पहला कदम यही जानने के लिए उठेगा, और अगर वो मर गया तो मेरा दूसरा कदम उसकी मौत का सबूत ढूंढेगा। उसने पापा से कहा था कि उसकी जीवन रेखा कानून की रस्सी से बहुत लंबी है। पापा, मैंने अपने माता पिता का दाह संस्कार भी नहीं किया, मुझ पर उनका यह बहुत बड़ा उधार है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुखी रहो बेटा, मेरी ममता तुम्हारी रक्षा करेगी। चलता हूं। बेटे, एक बात याद रखना, जो कुछ भी मैंने तुझे सिखाया है सिर्फ बदले के लिए नहीं, दुनिया की भलाई के लिए भी। बादशाह की मौत की खबर विदेश से आई थी और पुलिस के पहुंचने से पहले उसकी लाश को जा दिया गया था। कानून ने उसे मरा हुआ करार देकर फाइल बंद कर दी। काश पापा ने उसे गिरफ्तार करने के बजाय खत्म कर दिया होता, ना मैं माँ बाप खोता और ना ही अनाथ होता। कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर कानून को अपने हाथ में नहीं लेता। रवि, कातिल को पकड़ने में हम खुद कातिल नहीं बनते। इसीलिए तो जुर्म फल फूल रहा है। कानून वो बनाइए जो सर उठाते ही सांप को कुचल डाले। और अगर ये आपकी पुलिस से नहीं होता तो दीजिए जनता के हाथ में तलवार। जुर्म को खत्म करना है तो किताबी लड़ाई मत लड़िए। हाथ के बदले हाथ, सर के बदले सर और जान के बदले जान, यही इलाज है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होने के नाते जो सौगंध मैंने उठाई है उसका पालन करना मेरा धर्म है। रही तुम्हारी बात तो मेरे छोड़े हुए धागे तुम उठा लो। मैं तुम्हें एक ऐसी सीढ़ी का पता बताता हूं जो शायद उसी जीने की पहली कड़ी हो, जो तुम्हें बादशाह की जिंदगी तक नहीं तो कम से कम उसकी मौत तक जरूर पहुंचा देगी। बताइए कहां। एक मुखबिर है, सिकंदर। पता जबानी याद रखना, लिखने की मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना। हाँ, पाटकर हाउस के पिछवाड़े, आजाद रोड, मूसा खेड़ी। मुझे आचार्य जी से मिलना। ये माइकल का घर है, यहां कोई आचार्य नहीं रहता। ये आचार्य जी का ही घर है, माइकल का नहीं। बाहर लगा हुआ नाम का बोर्ड क्या झूठा है?
कौन हो तुम? किसने भेजा है तुम्हें? डीसीपी साहब ने। बोलो, किसके आदमी हो और यहां क्यों आए हो? मुझे सिकंदर से मिलना है। कौन सिकंदर? सिकंदर से क्या काम? ये मैं सिकंदर को ही बताऊंगा। अपनी जान की खैरियत चाहते हो तो अपनी असलियत बताओ। मैं एक शिकारी हूं, एक खूनी भेड़िए को ढूंढ रहा हूं जिसका नाम बादशाह है। क्या नाम है तुम्हारा? रवि। सिकंदर से मिलना चाहते हो? हाँ। खतरों से मुकाबला करने की है हिम्मत? जिंदगी मौत से डरती है, मौत जिंदगी से नहीं। पलासिया में एक नाइट क्लब है, कल रात वहां आ जाना, सिकंदर से मुलाकात हो जाएगी। Thank you.
क्या मतलब है इस ज्यादती का? मुझे यहाँ बुलाकर मुझ पर हमला क्यों किया गया? तुम इस खूनी खेल के काबिल हो या नहीं, सिकंदर आजमाना चाहता था। हो गई आजमाइश? हाँ। तो बताओ सिकंदर कहाँ है? तुम्हारे सामने। तुम? नहीं, सिकंदर ये है। तुम? सिकंदर तुम हो? हाँ, मैं ही सिकंदर हूँ। आप दोनों असलियत में कौन है, क्या है? तुम्हारे हमसफर। हमसफर? क्या मैं पूछ सकता हूँ आप दोनों को भी बादशाह की तलाश क्यों है? जख्मी शेर शिकारी को क्यों ढूंढता है? मैं समझा नहीं। और समझने की जरूरत भी नहीं। एक आदमी है जिससे हमें बादशाह के बारे में रोशनी मिल सकती है। कौन है वो? कहाँ रहता है? रहता भोपाल में है। नाम वजीर। दिखावे के लिए होटल का धंधा करता है, लेकिन अंदर से सब गैर कानूनी धंधे करता है। बड़ी मुश्किल से मैंने उसके पास पहुंचने का रास्ता निकाला है। ठीक 12 बजे बैंक का सारा सिक्योरिटी सिस्टम, उसका अलार्म, उसका टेलीफोन सब काट दिया जाएगा। 12 बजे एक बारात वहां से गुजरेगी और 12:01 पर तुम सब बैंक में दाखिल हो जाओगे। 4 के अंदर अंदर तुम्हें अपना काम करना है। बाहर बैंड और पटाखों की आवाज में बैंक के मुलाजिमों की शोर पुकार, तुम्हारी गोलियों की आवाज सब की सब दब जाएंगी और 4 के अंदर अंदर तुम जेवरात और पैसे लेकर वहां से निकल जाओगे। ऐसा क्या? बिल्कुल, हर बैंक डकैती में यही जोग्राफिया तो होता है। मतलब 15 से मैं तुम्हारी शागिर्दी कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस तुमने मेरी एक आरजू पूरी नहीं की। कौन सी आरजू? उस्तादों के उस्ताद के दर्शन कराने की। मेरा जवाब जानते हो? उस्ताद बादशाह मर चुका है, यही जवाब तुम मुझे 15 से देते आ रहे हो। फिर भी तुम्हारी जबान बंद नहीं होती? क्योंकि जबान मेरे मुंह में है और कहती है कि बादशाह जिंदा है। मैं कहता हूँ बादशाह मर चुका है। अगर बादशाह मर चुका होता तो तुम वजीर से बादशाह बन चुके होते। जगह सर, ये रस्सी अब सांप बनती जा रही है। काम हो जाने के बाद इसे मोटर में बिठा देना और समझ गया। बैंक डकैती के बाद ये राज जानने वाला एक और शख्स कम हो जाना चाहिए। हो जाएगा। हिम्मत, तुम जीप में बैठो। तुम भी तो चलो, वजीर ने दोनों को साथ जाने के लिए कहा है। बहस मत करो, तुम जीप में बैठो। लेकिन मिलोगे कहाँ? ऊपर। ऊपर? ऊपर कहाँ? मेरी खोपड़ी मत क्या करो, तुम जाओ जीप में। Thank you.
लाश की शनाख्त हुई इंस्पेक्टर तिवारी? सर, हमारे रिकॉर्ड से ये 15 साल पुरानी तस्वीर मिली है, ये देखिए। कुछ जानी पहचानी सी शक्ल लगती है। ये तो हिम्मत सिंह है, बादशाह का पुराना साथी। सर, बैंक डकैती का वही तरीका, वही बारात, वही टाइमिंग, वही परफेक्शन। अगर हिम्मत सिंह जिंदा है सर, तो बादशाह भी जिंदा हो सकता है। तुम ठीक कहते हो सर, मेरा शक भी यकीन में बदलता जा रहा है। सेवक राम जी, ये रहा पार्टी का फंड। धन्यवाद। और ये रहा सेवक राम वेलफेयर फंड। सुना है कि पुलिस ने हिम्मत सिंह का अतीत खोज निकाला है, संभव है कि उनकी खोज में गति आ जाए। तो उस गति को मंदा करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। इस कर्तव्य का पालन तो हम सदा से करते आए हैं। और बादशाह की मृत्यु हो चुकी है, इसका प्रचार भी तो हमने किया है। लेकिन अगर पुलिस को दोबारा शक हो गया है, तो उस शक को दूर करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। अरे, ऐसे कार्य तो हम सफलता से निभाते आए हैं, यदि तुमसे हम प्रसन्न रहे तो आगे भी। सेवक राम जी, सुना है पानी में रहकर मुंह बंद रखना चाहिए, वरना उसे सांस रुकने का अंदेशा होता है। हमने भी सुना है कि जल में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं लेना चाहिए। जय हिंद। मिस रूपा, हमारे शो की नई डांसर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। जय हिंद। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको? जी नहीं सर। जय हिंद। मेरा आसमान, इन्हें इनके कमरे तक पहुंचा दो। रूपा जी, मैं MP हूँ, सेवक राम मेरा नाम है। किसी चीज की भी आवश्यकता हो तो मुझे सेवा का अवसर प्रदान करेंगी तो मुझे हार्दिक प्रसन्नता होगी। जी शुक्रिया। जय हिंद। हाय हाय, लुट गए, बर्बाद हो गए वजीर। ऐसा प्रतीत होता है कि हजारों बिच्छू शरीर में डंक मार रहे हैं। अरे ये सब कुछ ले लो, आज से मैं तुम्हारा सारा कार्य बगैर धन के करूंगा। केवल इतना करो कि इस संगमरमर की दीवार में मेरे लिए एक द्वार खोल दो। सेवक राम जी, मैं... अरे क्या सोच रहे हो, तुम भेंट निश्चित करो, फिर मैं जानूं और वो। खैर ठीक है, आप रात को शो में आ जाइए, कोशिश करते हैं। जय हिंद। जय हिंद। हम लोग अपने आप को बुरा समझते हैं, ये लोग नेता हैं, जनता इनको वोट देती है। वाह जनता। आपने मुझे बुलाया सर? याद करने में और बुलाने में थोड़ा फर्क है। एक ही बात है सर। शराब। बैठिए, तशरीफ रखिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गेट अप। अगर अपनी खैरियत चाहते हो तो उस कोने में जाकर खड़े हो जाओ जब तक मैंने बुलाऊं। जाओ। यस सर। सॉरी, ये जो है ना, ये मेरे बहुत दूर का रिश्तेदार है, ये अहमक, बहुत दूर का। खैर, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि हमारे एक मेहरबान है, वह आप पर मेहरबान होना चाहते हैं। मेहरबान? हाँ, वो आप तो जानते हैं ना नेताजी सेवक राम जी। वो आपको देखकर तो पहले बैठे हुए थे, जैसे आपको देखा ऐसे उठ के खड़े हो गए जैसे हजारों बिजलियों ने उन पर हमला कर दिया। वो आप पर नजरें इनायत करना चाहते हैं। क्या वो आपके बहुत नजदीक है सर? हाँ, एक तरह से तो है। क्या आपके कारोबार में उनका दखल है सर? हाँ है, है। तो फिर आपके दोस्त हमारे दोस्त? हाँ, हमने दोस्त नहीं कहा उन्हें, दोस्त नहीं है। फिर तो उनसे और भी ताल्लुकात पैदा करना जरूरी है। क्यों? ताकि मुलाकात के बाद मैं आपको बता सकूं कि हकीकत में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। अभी आई हो और हमसे इतनी हमदर्दी क्यों? मेरा रिकॉर्ड ही ऐसा है सर, जिनके लिए काम करती हूँ उनके लिए जान भी देती हूँ। मैं जाऊँ सर? हाँ, थैंक यू। आसमान। यस सर। बात सुन बे, सुन जी, ये जो नेता है ना,
सेवक राम, ये हमारी बहुत सी हरकतें जानता है और हमें ब्लैकमेल करना चाहता है। मैं इस नेता को वीडियो पे देखना चाहता हूँ, लेकिन नंगा है? नंगा? एकदम नंगा। बुलाया है मुझे? चलो। वो आ गए घर हमारे, खुदा की कुदरत है। कभी हम मिस रूपा, रंगीन रात के लिए सब तैयारी है ना? जी हाँ। और कुछ? जी नहीं। फैमिली प्लानिंग के लिए कुछ नहीं? वो प्लानिंग तो मैं खुद ही कर लूंगी। गेट लॉस्ट। गुड नाइट। सॉरी सर। बंद कर दूँ? घबराएंगे तो नहीं? बहुत पहुंची हुई चीज हो। अजी हुजूर, औरत के अंदर की ताकत को किसने आजमाया है? उसे तो देवता भी घबराते हैं। मैं
मैं देवता नहीं हूँ, मैं भोगी हूँ। अच्छा, तब तो खूब गुजरेगी, जब मिल बैठेंगे दीवाने तो। कहाँ बैठूं, गोद में आप? हुजूर, लौंडी आपकी, गोद आपकी और खोज भी आपकी। खींच जाइए एक ही घूंट में, दिल दरिया हो जाएगा और वो समंदर। मेरे जान, पिला पिला के गिराना तो तुमको आता है, पियो मेरी जान, तुम पियो, पियो ना। मैं तो वैसे ही बेहाल हूँ हुजूर, मेरी जवानी आपकी जवानी की नजर। मैं तो तबाह हो गया। क्यों? इसलिए कि मेरी रगों में छू दौड़ रहे हैं। थोड़ी ही देर में डंक भी मारेंगे। ये क्या कर रहे हैं हुजूर? औरत अगर मस्ती में आ जाए तो वो नोचती है, काटती है। अरे तो नोचो ना, काटो ना, मुझे तबाह कर दो, मुझे तबाह कर दो, मेरी अनारकली, मुझे तबाह कर दो। रूपा, मेरे पास आओ, मेरे मेरे करीब सो जाओ, मेरे पास सो। मैं वजीर की खास मंजूरे नजर हूँ, मेहमानों के खातिरदारी के लिए सिर्फ शराब और नाच गाने तक ही इजाजत है। आप तो मुझे बिस्तर तक ले आए, अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरी जान ले लेंगे। अरे उसका बाप भी कुछ नहीं कर सकता तुम्हें। ऐसा क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? वो मेरा वजीर है और मैं उसका बादशाह हूँ। आप बादशाह हैं? हाँ मेरी जान, मेरी जिगर, मैं बेताज का बादशाह हूँ। पहले ये बताइए, बादशाह कहाँ है? बादशाह? हाँ। कोई नहीं जानता सिवाय वजीर। वो तहरा मर गया, इतना तो जानते होंगे। लोग कहते हैं मेरी जान कि वो मर गया, लेकिन वो मरा नहीं है, उसे वजीर ने कहीं छुपा के रखा है मेरी जान। कहाँ 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 कहाँ? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, किसी भी नहीं मालूम कहाँ। क्या ढूंढ रही हो? मैं तो घबरा ही गई थी कि भांडा फूट गया। भांडा फूटने में अब कसरी क्या रह गई मिस रूपा? क्यों लगाया था ये वीडियो कैमरा? आपकी मेहरबानियों के दायरे में आने के लिए सर। क्या मतलब? यही कि मैं आपकी सच्ची वफादार हूँ, और एक कमीना, आपका दोस्त नहीं दुश्मन है, यही साबित करने के लिए मैंने ये तरीका अपनाया सर। बड़ी बदनसीब हूँ सर, काश ये सब वीडियो पर रिकॉर्ड हो जाता तो मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारा कसूर इस इडियट का है, ये कैमरा नीचे लगा था, जोश में आकर ले गया इसे, और जो ऊपर लगा था उसे ऑन करना भूल गया। सर मैंने तो ऑन किया था। जस्ट शट अप, टेक दिस एंड गेट आउट फ्रॉम हियर। यस आउट। थैंक यू सर। बहुत गंदा आदमी है सर, आपको बहुत भला बुरा कह रहा था और आपको गालियां भी दे रहा था। क्या? हाँ, माँ बहन की गालियां दे रहा था। क्यों बे? क्यों? आए, आए, कितना मुलायम हाथ है, जी चाहता आज इन्हीं से काम चलाऊं। अरे इतना ना सताओ। सर आप ऐसे गद्दारों के साथ ताल्लुक रखते ही क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को कानून से प्रोटेक्शन की जरूरत है, और इन कमबख्तों को। खैर, आज से तुम हमारी मेहरबानियों पे यकीन रख सकती हो। थैंक यू सर। यू वेलकम। ई
वही आ रहा है। कुर्सी पर बैठे बैठे अपने कानों की शक्ति इतनी बढ़ गई है कि हर आने वाले के कदमों को पहचानने लगा हूँ। अपने ही लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड इवनिंग सर। आइए। रवि, ये डेविड है और ये अनवर। नमस्ते। क्या बताएं हुजूर, आपके घूंसे तो अब तक याद हैं। आपके घूंसे थोड़ी देर और चले होते तो अपने थोबड़े का तो कबाड़ा हो गया होता। चाय अभी पीकर आए। आप दोनों को बादशाह में क्या दिलचस्पी है? हम बादशाह के जुल्म के सताए हुए लोग हैं जी। हेलो। हाय। हाय रवि। हाय। रवि कह रहा था कि आज तुम बाल बाल बच गई। हाँ, खुशकिस्मती से आसमान वीडियो ऑन करना भूल गया था। वो ऑन करना नहीं भूला था, इन्होंने ऑफ कर दिया था। तुमने? जी। लेकिन तुम वहाँ कैसे पहुँचे? वजीर ने जब आसमान को वीडियो लगाने के लिए कहा था उस वक्त मैं साथ वाले कमरे में छुपा था। बादशाह को कुछ पता चला? सेवक राम को भी पूरी तरह खबर नहीं है, लेकिन उसकी बातों से हमारे शक को और भी विश्वास मिलता है कि बादशाह अभी तक जिंदा है। मगर वो है कहाँ? सिर्फ वजीर जानता है। सिकंदर ने रकाब में पांव डाल दिया है। मैं जानता हूं। उस जीन की दूसरी रकाब में मैं अपना पांव डालना चाहता हूं। बादशाह की हकीकत जानने के लिए वजीर तक पहुंचना जरूरी है। लेकिन तुम वजीर को नहीं जानते। हमारा हर कदम उस मक्कार की दहलीज से शुरू होता है और वहीं खत्म हो जाता है। पुलिस बनकर चोर की दहलीज पर कदम रखेंगे तो यही होगा। मैं चोर के घर चोर बनकर जाना चाहता हूं। इंच भी हिले तो 6 इंच का सुराख बना दूंगा। हाथ ऊपर। हिलना नहीं। क्या बात है इंस्पेक्टर? किधर गया वो हरामजादा? किसकी बात कर रहे? उसकी बात कर रहे जो एक हवा के झोंके की तरह आया था, वाटरफॉल की तरह नीचे गिरा और उसके बाद देखते ही देखते खुशबू की तरह गायब हो गया। ओ ब्लडी स्वाइन। कौन था वो नग? जुर्म की दुनिया का खतरनाक मुजरिम। आज ही बैंक में डाका डाला, पुलिस ऑफिसर को शूट किया और हीरे चुरा कर ले उड़ा। क्या बात कर रहे हैं? स्टेट बैंक से? हाँ, स्टेट बैंक से, जहाँ आज तक किसी भी बांश का साया तक नहीं पड़ा, बादशाह का भी नहीं। ये रही उसकी तस्वीर, अगर दिखाई दे तो फौरन इतला करो। हाँ जरूर, पुलिस की मदद करना तो एक सच्चे शहरी का फर्ज है। फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं। बतौर शहरी तुम कितना अपना फर्ज निभा रहे हो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये तो कानून की मजबूरियां हैं वजीर। जिस दिन कानून आपके हाथ में कोई ना कोई सबूत रख देगा उसके बाद आप मुझको फना करके रख देंगे, यही कहना चाहते हैं ना? देखिए माय डियर इंस्पेक्टर तिवारी, अगर जुर्म को बर्बाद करना है तो मुजरिम को फना मत कीजिए। जुर्म की जड़ें आपके सिस्टम के अंदर हैं,
सिस्टम को बदल डालिए, जुर्म खुद ब खुद अपनी मौत मर जाएगा। इस मशवरे का शुक्रिया। यो वेलकम। स्टेट बैंक से हीरे, वाह क्या हीरा है, मान गए। बिल्कुल बेकार पेपर है, कोई खबर नहीं ढंग की, न कोई रेप न चोरी न डकैती, कुछ बंद करो यार। क्या मिल गया? एक लाख का चेक मिल गया। मिल गया एक लाख। एक लाख? हाँ। किधर है मैं? इधर, ये देखो, इधर देखो। ये तो पीटी उषा है। पीटी उषा? ये नहीं, इधर, ये देखो। ओफो, तुम्हारा भेजा तो नहीं खराब हो गया? ये तो किसी खूनी मुजरिम की तस्वीर है। नहीं रोजी, ये क्रिमिनल नहीं, ये एक लाख है, मशहूर किलर रवि, जिसके सर पे एक लाख का इनाम है। मैं इसे पकड़ लाके जेल में डाल दूंगा और मुझे एक लाख रुपए मिल जाएगा। एक लाख मिल जाएंगे? रूपा, क्या बात है रूपा? कुछ नहीं सर। तुम रो क्यों रही हो रूपा? कुछ नहीं। देखो रूपा, तुम सिर्फ हमारे मुलाजिम नहीं हो, बल्कि तुम्हारी वफादारी ने हमारे दिल पे बड़ा गहरा असर किया है। बताओ क्या बात है, प्रॉब्लम क्या है? Is it money? Money? No, sir. Not even money? आसमान, एक ग्लास पानी ले आओ। सर, शैंपेन खोलूं? तुम्हारी औकात लगती है शैंपेन खोलने की? तुम पानी लेके आओ, इडियट, जाओ। Yes, sir. इडियट। ये रुमाल लो, आंसू पोछो। पोछो आंसू। अब बताओ क्या बात है? मेरी जिंदगी वीरान हो गई सर, मैं बर्बाद हो जाऊंगी। क्यों? मेरा एक बचपन का साथी है, शुरू से उसे अमीर बनने के सपने थे। मुझे कहता था, रूपा मैं तुम्हें रानी की जिंदगी दूंगा, महलों में रखूंगा। उसके हाथों पुलिस वाले का खून हो गया। खून? अगर पुलिस उसे पकड़ लेगी ना सर, उसे फांसी हो जाएगी सर, और मैं उसके बगैर नहीं जिंदा रह सकती, मैं मर जाऊंगी सर। कहीं ये लड़का तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं? ये फोटो आपके पास कैसे आ गई सर? तो फिर बंद करो ये रोना धोना, ये आदमी बड़े काम का है, मुझे पसंद है। चलो मेरे साथ, चलो चलो चलो, रोना बंद। अगर रूपा वजीर को यहां ले आए और वजीर तुम्हें अपनी आस्तीन में पनाह दे दे, तो समझ लो हमारी तलाश कुछ हद तक आसान हो जाएगी। हाथ ऊपर, अगर एक इंच भी हिले तो 6 इंच का सुराख बना दूंगा। धोखेबाज, विश्वासघातिनी, गद्दार, रवि, मेरे प्यार का यही सिला दिया तूने? इनाम के लालच में मुझे पकड़वाने के लिए पुलिस लेकर आई तू? रवि सुनो तो। नहीं बरखुदा, नहीं, ना तो हम तुम्हारे दुश्मन हैं और ना ही पुलिस वाले, हम तो सिर्फ तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आए थे। आजकल दोस्ती दुश्मनी का दूसरा नाम है। नहीं बरखुदार, मुझे गौर से देखो, मेरी शक्ल पहचानो और इसे भी पहचानो। यहाँ आने की वजह? तुमसे हाथ मिलाने और तुम्हें अपने साथ रखने। क्यों? क्योंकि तुम जैसा आदमी मेरा वो काम कर सकता है जो मेरे दूसरे आदमी नहीं कर सकते। देखो, उसके बदले में तुम्हें दौलत के अलावा वो हिफाजत दे सकता हूँ जिसकी तुमको बहुत जरूरत है। इस तरह रोज पुलिस से छुपते फिरते हो, एक दिन पुलिस के हत्थे चढ़ जाओगे तो तुम्हारी गर्दन फांसी के तख्ते पे लटकती नजर आएगी। शायद तुम नहीं जानते, मैं क्राइम की दुनिया का होशियार खिलाड़ी हूं, अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह से जानता हूं। मैं धंधे की बात टॉप के आदमियों से करता हूं, बीच वालों से नहीं। तुम्हारा बॉस कौन है? मैं खुद अपना बॉस हूं, मेरा कोई बॉस नहीं। धंधे की बात करो,
हाँ या ना में जवाब दो, लेकिन जवाब देने से पहले इतना सोच लेना कि जितनी जरूरत मुझे तुम्हारी है उससे ज्यादा तुम्हें मेरी जरूरत है। ये ठीक कह रहे रवि, इनके साथ रहकर तुम खुली हवा में चैन की सांस ले सकोगे, मुझे भी कुछ सुख दे सकोगे। आखिर मेरी भी कुछ हसरत है, तमन्ना है, उमंगे हैं। प्लीज रवि, इन्हें हाँ कह दो, तुम्हें मेरी कसम भी, प्लीज इनसे हाथ मिला लो। ठीक है, आप मिस्टर बॉन्ड हैं? यस आई एम बॉन्ड। आए मैं बर्बाद हो गई, मैं लूट गई, मैं बड़ी अभागन हूँ, मैं बड़ी बदनसीब हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे सब यतीम हो गए। देखिए हमने ये दफ्तर आप जैसे लोगों के लिए खोला हुआ है, प्लीज बैठिए आप। आप मेरा हाथ छोड़िए। नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे ये वचन नहीं देंगे कि आप मेरी रक्षा करेंगे। क्या तकलीफ है आपको? वो मेरे पति मुझे छोड़ के भाग गए। क्यों? अब क्या बताऊँ, आप ही सोचिए, मेरे जैसी महासुंदरी को कोई पति छोड़ के भाग सकता है? अच्छा किया भाग गया। क्या? मैं तो ये पूछ रहा था कि आपके पति का नाम क्या है? बंसी बिरजू। बंसी बिरजू, बड़ा अजीब नाम है। नहीं नहीं, मतलब बिरजू गुप्ता, लेकिन वो बांसुरी इतनी अच्छी बजाते हैं कि मैं प्यार से उन्हें कहती हूँ बंसी बिरजू। खैर हम तो इस नाम के आदमी को भी खोज निकालेंगे। देखिए मैडम, क्या हमारी जो एजेंसी है ना वो बहुत एक्सक्लूसिव है। हाँ। और हमारे रेट्स और उनसे कुछ ज्यादा। आप पैसे जितने जी में आए ले लो, पर मेरे बंसी को मुझे मिला दो। हजार रुपए तो एडवांस लगेगा और बाकी 2000 वो क्या नाम है उसका, वो बंसी बिरजू। बंसी बिरजू उसके मिल जाने। मैं सब दे देती हूँ ना आपको। राम मिल गया मेरा बिरजू बंसी। वाह वाह, थैंक यू मैडम। देखिए ऐसा है कि आप क्या क्या कर रही है? आप मेरा हाथ तो छोड़िए। नहीं हाथ नहीं छोड़ेंगे तो मैं कैसे ढूंढूंगा आपके बंसी बिरजू को? बहुत नरम हाथ है। आपके पास बंसी बिरजू का फोटो वोटो है क्या? है ना, है ना, कितना खूबसूरत नौजवान है। इसके लिए आप 3000 रुपए खर्च कर रही हैं? क्या कहा? मेरा मतलब है क्या पर्सनैलिटी है, वाह। वैसे इन साहब के शौक क्या क्या है? बंसरी बहुत अच्छी बजाते हैं, खूब शराब पीते हैं और फिर गजल गाते हैं। हाँ। ठीक है, आपका बिरजू आपको मिल जाएगा। तो मैं फिर कल आ जाऊं? जी नहीं, आप एक काम कीजिए, आप 7 दिन के बाद आइए। 7 दिन के बाद मैं कैसे जीऊंगी 7 दिन तक? मुझे माफ कर दो, आपके पैरों की कसम, मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा, कभी पुलिस के डर से माल छोड़कर नहीं भागूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। मुझे माफ कर दो, ये मेरी पहली गलती थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। हमारे कारोबार में पहली गलती धंधा चौपट कर देती है, लेकिन फिर भी दिलेर सिंह इसे माफ कर दो। कहते हैं जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में होती, लेकिन आजकल कुछ नीचे वाले भी ये काम कर देते। दिलेर सिंह, कपड़े उतारो अपने। क्या मतलब? मैंने कहा कपड़े उतारो अपने।
उतारो। ये बलराम को पहना दो। पतलून उतारो अपनी। क्या? कम ऑन, पतलून उतारो। डोंट फील शाय। तुम्हारे बदन पे कोई निशान या दाग ऐसा है जिससे तुम्हारी शनाख्त हो सके? सिर्फ ये लॉकेट है। मेरे हवाले कर दो। ये भी बलराम को पहना देना। वो रवि जिसकी तलाश में पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछा रखा था आज मर चुका है। बलराम की सूरत तो पहचानी नहीं जाएगी। अगर तुम्हारे कपड़े पहचानने के बाद मैं ये कह दूं कि वो लाश तुम्हारी थी तो क्या पुलिस इससे इनकार कर पाएगी? कभी नहीं। धरती के इस खुदा की बख्शी हुई नई जिंदगी, नई पहचान, मुबारक हो तुम्हें। यही वो गुंडा है सर? जी हाँ। खातिरदारी में कोई मिना रहे? आप चिंता ना कीजिए, इससे हम निपट लेंगे। ये अगर लग जाए तो खून निकलता है। फौरन तो गया जाओ, मैं मुझे काट दूंगा। आपकी कौन सा तना निकल है? ये चाकू है यानी, ये अगर लग जाए तो खून निकलता है। फौरन तो गया जाओ, मैं मुझे काट दूंगा। काका तेरी मुंह क्यों निकली है? तुम कैसे मालूम? मैं जेम्स बॉन्ड 008 तीनों लोग की खबर रखता हूँ बच्चा। वो तो 007 मेरा छोटा भाई है। लेकिन मेरा इस होटल में रहना बहुत जरूरी है। क्यों? वो लड़कियों का पीछा करते हो, लोगों का हनीमून खराब करते हो। नहीं नहीं, देखो ये पिस्तौल है, ये अगर चल जाए तो जिंदगी की जमानत जब्त हो जाती है। और यहां से भाग जाओ, परत वाला थोपा फोड़ दूंगा। आउट आउट। नोट कड़क कड़क, नोट कड़क कड़क, नोट। देखिए मेरा यह है ना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है तो लाओ लाओ लाओ। अब जाओ। अबे अंदर नहीं, हार बाहर। मतलब ये कि यहां से दफा हो जाओ वरना खोपड़ी फोड़ दूंगा। खोपड़ी? मेरे पैसे लौटा दो। कौन से पैसे? अरे इल्जाम लगाता मुझ पर, क्या बात करते हो? अरे चोर लुच्चे लफंगे साले मवाली, बुलाओ पुलिस को। एक ही बेड तो क्या मुझे इस कमरे में तुम्हारे साथ अकेले ही रहना पड़ेगा? मैं तुम्हें खा तो ही जाऊंगा। जितना तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल है ना, उससे कहीं ज्यादा मुझे अपनी इज्जत का है। तुम तो बड़े साधु संत हो ना जो मुझसे डरोगे। देखो मैं कह देती हूँ, मकसद पाने के लिए थोड़ी बहुत कुर्बानी तो करनी पड़ती है। क्या मतलब है तुम्हारा थोड़ी बहुत कुर्बानी से? लो, क्या ये भी समझाना पड़ेगा? चल, मैं दूसरे कमरे में जा रही हूँ, मैं यहाँ नहीं। अरे मैम साहब, क्यों किए कराए पे पानी फेरना चाहती हो? अगर भांडा फूट गया ना तो बादशाह तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। हम शादीशुदा हनीमून पे आए हैं,
हमें नाटक निभाना पड़ेगा। वही पाजी है। वीडियो पे कोई खास फिल्म लिखना चाहोगे डाली? मतलब इंस्पिरेशन के लिए। अच्छा अब अच्छा, अब मैं समझा कि आपका इस होटल में ठहरना जरूरी क्यों था। नहीं नहीं, वो यू प्ले डर्टी पीपिंग टॉम, लोगों के प्राइवेट कारोबार को पब्लिक बनाते हो। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। अरे मैं सब जाता हूँ, मैं अभी बुलाता हूँ पुलिस को। क्या जो रुपए मैंने आपको दिए थे आप माफ किए? कौन से रुपए? तुम मुझ पे इल्जाम लगाते हो? देखिए मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे झांकने दीजिए, आपने कुछ नहीं देखा। मैं अंधा नहीं हूँ समझे? आपने कुछ नहीं देखा। कान अंधा नहीं हूँ? आपने कुछ नहीं देखा। तुम सुनते हो, मैं अंधा नहीं हूँ। आपने कुछ नहीं देखा है। मैंने कुछ नहीं देखा, बस अब तुम जाओ। अगर बुरा न माने तो एक अर्ज करूं? इजाजत है। चलो हटो। मुझे अब तुमसे डर नहीं लगता। बीच में तकिया रख लेंगे। और अगर नींद में तकिया इधर उधर हो जाए तो? नहीं होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि औरत बहुत होशियार होती है, नींद में भी अपने मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होने देती। पत्ती बुझा। इतनी हिम्मत? हिम्मत ना होती तो जवानी के खेल छोड़कर मौत के खेल न खेलती। ठीक है, लिहाज रखना। गुड नाइट। गुड नाइट। रूपा से। रूपा तो मैं ही हूँ। आपको अपनी दीदी के पास चलना है। कहाँ है वो? आओ मेरे साथ। रमजान। छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? क्या हो गया रूपा? रूपा फिर वही सपना है तो? मैं अपनी और अपनी जिंदगी की
जिंदगी है ही कहा रूपा, सपने ही सपने हैं, भयानक डरावने सपने। अगर जिंदगी के साथ तुम्हारे इसी तरह बर्ताव रहा ना, तो सपनों में ही जियोगी और सपनों में ही बह जाओगी। रूपा, रूपा, हेलो रिसेप्शन। यस सर। मेरी वाइफ नीचे है क्या? बाहर गई है सर। कहाँ? कुछ बता के नहीं गई। उन्हें जाकर कितनी देर हुई? आधा घंटा हुआ। ओके। जया, जया, तुम्हें कोई मिलने आया है। उससे? कौन? आंटी। आंटी? तुम्हारी आंटी? मेरी आंटी? यस। किस चीज की कमी है बेटे? कमी? पैसों की जरूरत ही सब कुछ होती है। सब लड़कियों के मम्मी पापा मौका मिलते ही किसी न किसी बहाने मिलने चले आते हैं, लेकिन तुम नहीं आती, पापा नहीं आते। मुझे अपने से दूर क्यों रखा हुआ है? तुम्हारे और पापा के बिना नहीं रह सकती। हम तुमसे दूर रहकर खुश हैं, ऐसा क्यों समझती हो? हम भी तो चाहते हैं कि हर वक्त हम तुम्हारे साथ रहें। तो फिर मुझे अपने से दूर रखने की क्या मजबूरी है? काश मैं तुम्हें बता सकती। तू नहीं बता सकती। कुछ खतरे हैं जिनसे मैं तुम्हें दूर रखना चाहती हूँ। अंत क्या खतरे हैं मुझे बताओ। थोड़े दिन ठहर जाओ, सब जान जाओगी। मेरी अच्छी बेटी, अगर अगली बार आई ना तो तुम्हें जरूर अपने साथ ले जाऊंगी। अगर क्यों? अरे भाई, मेरी जगह तुम्हारे पापा भी तुम्हें लेने आ सकते हैं। आ तो सकते हैं, लेकिन आते नहीं। नहीं बदली, एक मंजिल तलाश है, सोते रहते बस उसी एक धुन में वक्त गुजरता है। जा हो, चलो वक्त हो गया। नहीं जाऊंगी, मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकती, तो तुम भी मेरे साथ रहो ना। इतनी जिद नहीं करते बेटी, कहाँ मानो, मेरी अच्छी बेटी है ना। रूपा जी, इसे भेजिए। फिर कब आओगी? प्रार्थना करो कि हम जल्दी मिलें। जया, जा, जा। Yeah.
नहीं आना चाहिए था रवि। रूपा, यह इलाका दुश्मनों का है, इसी ख्याल से तुम्हारी तलाश मुझे यहां ले आई। प्यारी भांजी है तुम्हारी। किसी को भी मुन्नी के बारे में नहीं बताना रवि, खतरे की परछाई भी अगर इस पर गिर गई ना तो मैं टूट जाऊंगी, बिखर जाऊंगी, कहीं के भी नहीं रहूंगी। रूपा, मैं और तुम अब दो नहीं एक है। जय, अब मेरी भी उतनी जिम्मेदारी जितनी की तुम्हारी। भावनाओं को छोड़ो और जिस काम के लिए हम यहां आए हैं वो आज रात करना है। मतलब आज न्यू ईयर ईव है। बॉब की पार्टी में जुगनी नाम की एक डांसर आएगी, पुलिस उसे किसी भी बहाने से रोक लेगी, तुम वहां जुगनी बनकर जाओगी। और तुम? मैं तुम्हारा जग्गा बनकर जाऊंगा। और उसके बाद? उसके बाद जिंदगी और मौत का खेल, या वो नहीं या हम नहीं। Come on, baby. Take it easy. इस आर्ट में भी एक्सपर्ट है। बहुत मजा आएगा। अरे, तुम इधर काहे को आया? हम तुम्हारे लिए तोहफा लाए। इसे अच्छा तोहफा हमको नहीं मांगता, जाओ। लेकिन ये तोहफा तुम्हें लेना ही पड़ेगा। ये तो हेरन है, हम इसको टच नहीं करता। आज तुम इसे टच नहीं करोगे बल्कि खाओगे भी। कौन हो तुम? तुम्हारा काल, इसके साथ तुमने अनेक जीवन बर्बाद किए और आज बर्बाद होने की तुम्हारी बारी है। नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। खा। मैं खाता हूं। ओके, मैं खाता हूं। भाई, एक तीर से दो शिकार, ये कहावत तो सुनी थी हमने, लेकिन एक तीर जाके तीन निशानों पर बैठा, यानी एक तीर से तीन शिकार, भाई मान गए। यानी आज हम ट्रिपल सेलिब्रेशन करेंगे, तीन पैग का एक पैग। मैं समझा नहीं। वाह, यानी उड़ती चिड़िया के पर काट लेते हो और बात के अंदर की बात नहीं समझे। समझी तो मैं भी नहीं सर। एक्सक्यूज मी सर, समझा तो मैं भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, यू जस्ट शट अप। सीधी सी बात है, मैं समझाता हूं। राजदारों से राज खामखा शक पैदा कर देता है,
जाने से पहले तुमने ये नहीं बताया कि तुम्हारी एक भांजी भी है। मेरी भांजी? आपको कैसे मालूम हुआ मेरी भांजी है? मदारी की पिटारी में जितने कबूतर होते हैं उन पर वो बाज जैसी नजर रखता है। खैर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे परिवार में एक मेंबर का इजाफा हो गया। जी नहीं, मेरी भांजी को इन अंधेरों से ना कोई वास्ता है और ना होगा। नहीं है ये तो मैं मान सकता हूँ, नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। और बरखुरदार तुमने भी राजदारों से राज रखे। राज? हाँ, मतलब यारों से असलियत छुपा गए तुम। मतलब? मतलब ये, मैं तुम्हारे माँ बाप के बारे में कह रहा हूं, ये तुम्हारे असली माँ बाप नहीं है, ये राज तुमने रखा। वजीर साहब, रिश्ते खून से ही नहीं दिलों से भी होते। हाँ ना भाई, मान लिया, मगर तुम इतने नाराज क्यों होते हो? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे असली माँ बाप कहाँ है? मौत से पहले ही उन्हें मत ले गए। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। कोई एक्सीडेंट या हादसा? हम इस सिलसिले में अपना कत्ल है। ओके, वक्त काफी हुआ है, हम चल। रवि, अगर मैंने तुम्हारी किसी दुखती रख पे उंगली रख दी है तो आई एम वेरी सॉरी, फॉरगिव मी। चीयर्स। सेवक्राम जिंदाबाद, सेवक्राम जिंदाबाद, सेवक्राम जिंदाबाद, सेवक्राम जिंदाबाद, सेवक्राम जिंदाबाद। भूख लगी है बाबा, दो दिन से कुछ नहीं खाया, भगवान के लिए कुछ दे दो। चिंता मत करो भाई, हम तुम्हारे भूख का नाश कर देंगे, इस देश से हम गरीबी को मिटा देंगे। झूठ बोलता है साला, गली गली में शोर है, सेवक्राम जो है। नहीं, हिंसा नहीं भाई, ये भगवान का अवतार है, कुछ अपोजिशन वालों ने इसे बहका दिया होगा। दोस्तों, इसने तो हमें चोर ही कहा है। इस संसार में एक महान आत्मा पे पत्थर बरसाए गए, बापू को गोली मार दी गई। ये तो संसार के नेताओं का दुर्भाग्य है। झूठ बोलता है साला, नाटक करता है। जय हिंद। रामी को उड़ा दो। जी। हेलो जी, सेक्रेटरी साहब का दफ्तर है। पार्टी सेक्रेटरी नरेंद्र नाथ हियर। क्या मैं अभी आपसे मिल सकता हूँ? जी नहीं। क्यों? इस वक्त मैं पार्टी चुनाव के टिकट देने में व्यस्त हूँ, क्षमा कीजिए, फिर कभी मुलाकात कर सकेंगे आप। जय हिंद। जय हिंद। मेरा परिचय? मैं जानता हूँ, मैं सेवक राम एमपी हूँ, और मैं समझता हूँ कि मेरा टिकट तैयार होगा। कहाँ का? दुबई का या हांगकांग का? जी महाशय, ये रेलवे का बुकिंग ऑफिस नहीं है जहाँ पैसे देकर टिकट मिल जाता है। महाशय, नया नया सेक्रेटरी हो, शायद जानते नहीं कि मैं कौन हूँ। लाओ मेरा टिकट। कैसा टिकट? इलेक्शन लड़ने का, और किस चीज का? आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं। क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें मालूम नहीं कि ढेर सारा रुपया पार्टी फंड में मैंने जमा करके दिया है? वो बेईमानी का पैसा गरीबों में बांट दिया गया है। मैं पूछ सकता हूँ कि निर्णय तुम्हारा है या हाईकमान का? मेरा। ये ऐसे नहीं मरेगा, इसकी मुट्ठी गर्म कीजिए। इस बाजार में सभी बिकाऊ नहीं है, पार्टी में तुम जैसे भ्रष्ट लोगों की कोई जगह नहीं है। महाशय, ये निर्णय आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। यानी तुम चाहते हो कि उसकी खटिया खड़ी हो जाए, वो रास्ते से हट जाए? अवश्य। यानी मर्डर? अरे
मर्डर वर्डर क्या होता है? मनुष्य एक योनि को छोड़कर दूसरी में चला जाता है, यही प्रकृति का नियम है। लेकिन एक पार्टी के इतने खास आदमी को खत्म कर देना ये मुश्किल काम है, हम कष्ट में पड़ जाएंगे। अरे कैसे कष्ट में आ जाएंगे, उधर वो सिधारा और इधर मुझे टिकट मिला, और फिर तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, मैं हूँ। हाँ मगर अगर तुम्हें धन की आवश्यकता है तो वो भी मिल जाएगा मुंह मांगा, लेकिन तुम उसे मेरे मार्ग से हटा दो बस। मुंह मांगा यूं समझो धर्मदास जी के पार्टी सेक्रेटरी नरेंद्र नाथ आपके मार्ग से हट गए। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ रवि, देखो मूसा खेड़ी में गोप पहलवान नाम के एक आदमी का घर है, पहली मंजिल पर, वहां चले जाओ, ये माला उसे दे देना, कोड वर्ड है नागराज। फिर बस वापस चले आओ। ये काम तो कोई चपरासी भी कर सकता है। देखो रवि, इस आदमी का पता सिर्फ मैं और आसमान जानते हैं, तो मेरे खास आदमी हो, इसलिए मैंने इस राज में तुम्हें शामिल किया है। सर ये नागराज कोई खास आदमी है क्या? धीरे धीरे सब कुछ जान जाओगे, अब तुम जाओ, वो आदमी मैसेज लेके आगे जाएगा। आगे मतलब? आगे का मतलब आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे, इतनी जल्दी मत करो, समझे? जाओ। मगर आपने मैसेज तो नहीं दिया। रवि ये माला ही मैसेज है, ये जिस आदमी को मिलेगी वो इसका मतलब अच्छी तरह जानता है। नाउ फॉर गॉड सेक्स मैन गो। दरवाजा खोलो। क्यों, किससे मिलना है? नागराज से। समझ गए? बिल्कुल। कहाँ जाना है ये भी समझ गए? लेकिन तुम्हारे पूछने का मतलब? मतलब किससे मिलना है ये भी समझ गए होंगे? बिल्कुल। किससे? जिस काम के लिए आए थे वो हो गया है, जाओ। हेलो। यस। तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। फिर भी इधर आओ, पीछे के दरवाजे से निकल जाओ। सुनो, तुम किसी से डरते हो क्या? अबे तू जाना। अभी तो जा रहा हूं, तुमसे फिर मिलूंगा। अबे जा जा। Thank you.
जय बाबा। भक्तो, आप जानते हो कि माला के बगैर कोई भी व्यक्ति बाबा के पास नहीं जा सकता। जो भी कोई व्यक्ति बाबा के दर्शन करना चाहता हो, लाल माला लेकर आगे बढ़े। जय बाबा की। जय बाबा की। जय बाबा की। जय बाबा की। माला। माला। जय बाबा की। जय बाबा। सुनिए, बाबा कभी बाहर नहीं निकलते? नहीं, त्यागी है। संसार और संसार वालों से उन्हें कोई मोह माया नहीं। ईश्वर प्राप्ति ही उनके जीवन का लक्ष्य है। ओ, तो काफी पहुंचे हुए लगते हैं। निसंदेह। तो मेरा शक सही निकला? शक? शक से तुम्हारा मतलब? मेरा मतलब काफी पहुंचे हुए लगते। जय बाबा। जय बाबा की। हमारे आदमी को सेक्रेटरी टिकट नहीं दे रहा। क्यों? कहता है अगली सरकार सत्यवादियों की होगी। आदर्शवादी है। ऐसे साहब का सर मुझसे पूछे बगैर ही कुचल देना चाहिए था। हमारा आदमी सरकार में रहना ही चाहिए। वजीर से कहो उसे रास्ते से हटा दे। मतलब कि? हाँ, उड़ा दो आज ही रात। जो आज्ञा बाबा। यहाँ क्या कर रहे हो? तलाश कर रहा हूँ। किसकी? प्रकाश की। अंधेरे में खोई हुई आत्मा सत्य के तलाश में भटक रही है। हाथ ऊपर करो। हा? चलो चलो अंदर चलो। बाबा कौन था? उसकी असलियत क्या है? मुझे नहीं मालूम। तुझे सब मालूम है और तू बताएगा। वो बादशाह ही है ना? कौन बादशाह? वही खूनी भेड़िया। मैं किसी बादशाह को नहीं जानता। तू सब जानता है, बता। बोल। बताता हूँ, बताता हूँ। वो पुलिस से भागा हुआ मुजरिम बादशाह है। We'll be right back.
क्या हुआ? सारा प्लान फेल हो गया सर, सेक्रेटरी बच गया। आगे बोल क्या हुआ? रवि जासूस। क्या? वो आपका आदमी नहीं, दुश्मन है, सांप बनकर हमारे बीमे घुसा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम, डैम इट। हाँ सर, नागराज से बादशाह के बारे में पूछ रहा था, नागराज बताने वाला था कि मैंने उसे खत्म कर दिया। उसी वक्त उस जासूस को क्यों नहीं खत्म किया तूने? हाँ, कोशिश की थी सर, मगर वो बच गया। वो बादशाह का पता जानना चाहता है, मैं उसे बादशाह तक तो नहीं जहन्नम तक जरूर पहुंचा दूं। यस वजीर है। अरे भाई वो मेरा काम हो गया, वो सेक्रेटरी का। तुम्हारा काम जरा उल्टा हो गया है। उल्टा? ये तुम क्या कह रहे हो, ये तीर उल्टा कैसे चल गया? वो क्या है कि मैंने रस्सी समझकर एक सांप को सड़क से उठा लिया था, उस सेक्रेटरी की जान बचाते हुए सांप ने मेरे एक आदमी को डस लिया है। नहीं नहीं वजीर, ये तुम क्या कह रहे हो, मेरा पॉलिटिकल कैरियर तबाह हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ऐसा मत करो, मुझे बचा लो वजीर, मुझे बचा लो। तुम कुछ दिनों के लिए फौरन अंडरग्राउंड हो जाओ, वरना सेक्रेटरी तुम्हें कानून के जाल में फांस लेगा। ठीक है वजीर, मैं अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, मैं गायब हो जाता हूँ वजीर, लेकिन तुम सेक्रेटरी का मुंह बंद कर देना। हाँ, मैं जा रहा हूँ वजीर, मैं जा रहा हूँ। अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। मैं अभी हूँ मिनिस्टर फोन करूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा। हेलो हेलो रूपा। हाँ हाँ, बादशाह का पता चल गया है, गौर से मेरी बात सुनो। हाँ। वो महल के खंडरों में छुपा हुआ है, मैं वहां जा रहा हूँ, तुम डेविड और अनवर को लेके वहां पहुंच जाना, ठीक है? जल्दी बर्दिन, रवि कहाँ है? रवि? मुझे क्या मालूम। अच्छा अच्छा अच्छा, और तुम्हारी वो साली हरियाली रूपा, वो अपने आशिक की आगोश में है या कानून की बगल में? मुझे नहीं मालूम। ओ जरा तलाशी तो लेना रे। बता कहाँ है वो नमक हराम बाल? मुझे सचमुच नहीं मालूम, मैं तो खुद उन्हें ढूंढने बाहर जा रहा था। मेरा यकीन करो, मुझे सचमुच कुछ नहीं मालूम। सर उधर तो कोई भी नहीं, सर इधर भी कोई नहीं है। ओए लंगड़े बात सुन, अगर मुझे बाद में मालूम पड़ा ना कि तुझे दोनों का पता मालूम था, तूने मुझसे झूठ बोला, मैं अनारकली की तरह जिंदा दीवार में चुनवा दूंगा, समझे? चल। सुनो, मेहरबानी करके मेरी बैसाखिया मुझे दे दो। क्या? मुझे बाथरूम जाना है। तुम्हारे बाप का नाम क्या? रैंकर ले लो, रैंकर।
नहीं तुम? इतने हथियारबंद पहरेदारों के होते हुए तुम अंदर कैसे घुस आई? मौत को अंदर आने से कोई पहरेदार नहीं रोक सकता। कौन हो तुम? तुम्हारी लंबी जीवन रेखा का आखिरी सिरा। भेस बदल लेने से कोई शैतान साधु नहीं बन जाता बादशाह। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं? गन का बू छुप सकता है बादशाह, उसकी बू नहीं। मौत तुमसे हिसाब मांगने आई है। तुमने सुना होगा कि बिल्ली की 9 जाने होती हैं, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि बादशाह की 18 जाने हैं। मौत को मैंने जेब में रखा हुआ है। चला दो इसकी आंखें। इंच भी हिले तो 6 इंच का सुराग बना दूंगा। रूपा इधर आओ। रूपा तुम जाओ, चलो। गोली के साथ तेरा काम तमाम हो सकता है बादशाह, लेकिन यह तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा। दर्द के बगैर मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। थोड़ा थोड़ा तड़पाऊंगा, रत्ती रत्ती मारूंगा, तभी मेरे मां बाप के साथ इंसाफ होगा। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम? मैं इंस्पेक्टर किशन सिंह का वो बेटा हूं
जिसे तुम्हारे आदमी पकड़ नहीं पाए थे। बिशन सिंह का बेटा? हाँ, तुम्हारी अदालत से भागा हुआ वो बच्चा जो तुम्हें मौत के घाट उतारने आया है। 20 साल गुजर गए उस घटना को बच्चे, उसे भूल जा। इन 20 सालों में कोई दिन, कोई रात, कोई ऐसा पल नहीं गुजरा बादशाह जब मैंने तुम्हें भुलाया हो। वो बेटा ही क्या जिस दिल में माँ बाप के इंतकाम की भावना ना हो। उस दिन तेरी आदत थी, आज तू मेरी अदालत में दरिंदे ऊपर वाला गवाह है, ईमानदारी मेरी वकील है और इंतकाम मेरी। लिख अपने खून से इस धरती की छाती पर कि तू गटर का वो गंदा कीड़ा है जो इंसानियत के माथे पर कलंक। लिख इस धरती पर कुत्ते कि तू वो नीच है जो बेगुनाहों का खून पी पी कर इतना मोटा हो गया है। लिख, 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 मुझे मत मार। हथियार फेंक दे। हथियार फेंक दो। नहीं बेटे नहीं, मेरे लिए अपने लक्ष्य से मुंह मत मोड़, मैं तो वैसे भी जिंदगी की आखिरी सफर में हूँ। ठीक कहा तूने बुढ़िया, लेकिन इस कली का क्या होगा, इसे तो अभी फूल बनना है। फेंक हथियार फेंक। आंटी, आंटी मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे नहीं मरना। नहीं, चलो। जो हरामखोर हमारी आस्तीन में छुपकर हमी को डसने आया था ना तू, और तू लड़की पुलिस की मुखबर। फेंक दे हथियार, तूने शेर के बच्चे पर हाथ डाला है। फेंक दे हथियार। और उसके बाद रवि ने अपने आप को कान के हवाले किया। नेक्स्ट में भी दबा दी के तहत 7 साल सजा दी और आपके साथ अपने बात मैं जाता हूँ।